डियर स्टूडेंट्स, अगला टेस्ट जो हम करेंगे वो है एट्रिशन टेस्ट ऑफ स्टोन्स, जो किया जाता है ये पता करने के लिए कि किस रेट से उस स्टोन में वियर एंड टेयर होने वाला है। जो रोड कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स यूज होते हैं उनके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब देखेंगे आप कि यहाँ वियर एंड टेयर कैसे हो रहा है रोड के स्टोन्स पर। तो क्या हुआ, स्टोन्स की लेयर है एक के ऊपर एक, और वो स्टोन पे जो व्हीकल का लोड है वो ट्रांसफर हो रहा है, और एक स्टोन से दूसरे स्टोन में ट्रांसफर हो रहा है जब उसके ऊपर से व्हीकल गुजर रहा है। और ये सारे प्रोसेस में एक तरह से ग्राइंडिंग एक्शन होता रहता है ट्रैफिक के अंदर उस पर्टिकुलर स्टोन्स का जो रोड में यूज हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ग्राइंडिंग एक्शन के अंदर उस स्टोन का परफॉर्मेंस कैसा है, रेजिस्टेंस पावर कैसा है, वो हमें इस टेस्ट के रिजल्ट से पता चलेगा। तो ये टेस्ट का नेम है एट्रिशन टेस्ट। और जिस मशीन में इसको परफॉर्म किया जाता है वो मशीन का नाम है डेविल्स एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। इसलिए मशीन किस तरह की होती है, इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं जो कि लगभग 30 डिग्रीज पर इंक्लाइन रहते हैं। तो ये दिस इज 30 डिग्रीज, तो दो सिलेंडर्स हैं इस मशीन में जो 30 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है। और इसमें हम फिर क्या करते हैं, लेते हैं यहां पर 5 केजी का स्टोन सैंपल। इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इसका साइज भी डिफाइंड रहता है कि आपको 60 mm साइज का स्टोन 5 केजी का लेना है, और इस सिलेंडर में इन दोनों को डाल देना है। और आप देखेंगे कि इसमें इसका जो डायमीटर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस डायमेंशन इज 34 सेंटीमीटर। तो दोनों सिलेंडर्स का ये डायमीटर है और उसकी लेंथ है, इसमें हम डाल देते हैं और उसके बाद इसको हम रोटेट करते हैं। कितनी देर तक रोटेट करेंगे इसको, 5 आवर्स के लिए। और इसकी स्पीड क्या रखेंगे, रोटेशन की स्पीड रखेंगे 30 rpm, 30 रोटेशंस पर मिनट की रेट से इसको हम रोटेट करेंगे, और ये 5 आवर्स के लिए इसको रोटेट करेंगे। और इसका इतना होने के बाद जब टाइम निकल जाएगा तो इसका जो भी हमने यहाँ पर सैंपल्स को इनपुट किया था उसको बाहर निकालेंगे और उसको हम 1.5 mm की सीव से उसको पास करेंगे, जो मटेरियल है उसको हम उसके थ्रू पास करेंगे। जब हम पास करेंगे 1.5 mm की मेश से, तो क्या हो जाएगा कि कुछ जो इसमें से टूट फूट हुआ है वो नीचे रह जाएगा और जो बच गया है वो सीव के ऊपर वो पूरा पार्टिकल रह जाएगा। तो अब जो भी मटेरियल नीचे कलेक्ट हुआ है, या तो इसको हम मेजर कर लें या फिर इसको मेजर कर लें, जिसको भी मेजर करेंगे तो दोनों से हमको अगर जो ओरिजिनल वेट इसका 5 kgs था और अब यहाँ पर जो बचा हुआ मटेरियल है इसको वेट करेंगे कितना है, तो इसमें हमको मिल जाएगा कितना बचा हुआ मटेरियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा लॉस इन वेट। सपोज ये अगर W1 था और यहाँ पर W2 है, सीव के ऊपर जो सामान रह गया वो W2 है, तो W1 माइनस W2 विल गिव यू लॉस ऑफ वेट। तो W1 माइनस W2 ये आपका क्या है, लॉस ऑन वेट, और ये इनिशियल वेट दैट इज W1 इनटू 100 ये आपको देगा क्या, परसेंटेज वियर। तो यहां पर आपको परसेंटेज मिल गया कि सेम पार्टिकल्स जब वहां पर साथ में रगड़ खा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है। अब ये परसेंटेज वियर जो है ये हमें मिनिमम होना चाहिए हमारे इसमें, अगर वो 3% से ज्यादा हुआ तो वो मटेरियल जो है इट इज नॉट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारी लिमिटिंग बाउंड्री है।
तो देखा आपने इस टेस्ट में आपको पता चल गया कि आपको जो रोड में यूज करना है स्टोन उसका एब्रेशन वैल्यू कितना होना चाहिए वो निकालने के लिए आपने ये एक टेस्ट किया। और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने में याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।